बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो मार्च 2012 है, हालात हाजिर के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम हालात हाजिर के साथ आज की शहर पुरखियाँ कुछ यूँ हैं कि अली हज ने कहा कि कल का बयान हरी पगड़ी वालों को नहीं बल्कि उन घर को कहा है जो काफिर हैं, नेचा और कंजर खसाई हैं। इनके हाथ पर कोई बाप बेटे को मारता है, बेटे बाप को मारता है, इसलिए हरी पगड़ी वालों को कुछ नहीं कम हमारे भाई हैं। ये बयान दरअसल हमने इसलिए दिया है कि कुछ हमारे तहफात थे उन लोगों से, इसलिए हमने बयान दिया था। हरी पगड़ी वालों से कोई भी हमारी लड़ाई झगड़ा नहीं है, वो हमारे भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनका मजहब उनकी जगह, हमारा मजहब अपनी जगह। उनका चैनल भी मल्टी चैनल चलता है, उस पर भी हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि कावटों से उनका एक चैनल चले, हमारे लिए वो सब बराबर रखते हैं। दूसरा आज की शायद सुर्खी कुछ यूँ है कि अली हैदर ने कहा कि बातचीत से मसले हल करना चाहिए और तमाम मसाइल का हल बातचीत है। बातचीत जबर जब होता है जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अली हैदर ने ये भी कहा कि दुश्मनी रखना सबका फर्ज है, मगर जो हमारे लाइफ और हमारे स्टेटस के ही ना हो तो उनसे क्या किया जा सकता है। इसके अलावा अली हैदर ने ये भी कहा कि इसकी मिसाल यही है जैसे छोटा मुंह बड़ी बात की मुतरादिफ है। अली हैदर आज दो दफा नेट कैफे गए थे और पहले वाले नेट कैफे में गए, फिर दूसरे नेट कैफे में गए और वहाँ दूसरे वाले नेट कैफे में काम हो गया था, वापस खुल गई थी। अम्मी ने आज कीमा आलू बनाया था, बहुत ही मजे का बनाया था, बहुत ही मजे का बनाया और सबने मिल के खाया। और कल 3 मार्च है, कल 7 बजे शाम के हिसाब से, शब के हिसाब से हजरत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है। और ये बताते चलें कि कल स्पेशल और लाइव ट्रांसमिशन पेश की जाएंगी। कल 10 रबीउल्थानी को हदीसा खातून के वतन से सुबह फजर के वक्त हजरत इमाम हसन अस्करी मदीना मुनव्वरा में मुतवल हुए थे। इसके अलावा ये हजरत ने कल यानी 1 मार्च को BA प्रोग्राम इंटरव्यू रिकॉर्ड कराए हैं, इस हिसाब से कि वो 3 से 4 प्रोग्राम पर मुश्तमिल प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गए हैं। अली हजरत ने BA 2008 में किया था और रेगुलर स्टूडेंट थे, नेशनल कॉलेज के तालिबे इल्म थे। इसके अलावा उन्होंने सेकेंड डिवीजन में BA किया था। इसके साथ ही ये प्रोग्राम हालात हाजरा 2 मार्च 2012 को ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।